इसराइल पर एक नई मुसीबत टूट पड़ी है। इसराइल के साथ वही होने जा रहा है जिसका उसे डर था, क्योंकि ईरान से एक ऐसी खबर आई जिसने अमेरिका तक को डरा दिया है, बहुत डरा दिया है। ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे लेकर गाजा के युद्ध का फैसला पलट गया। ईरान का बम फटेगा तो इसराइल ऐसे काउंटर करेगा। इसराइल को यकीन हो गया है कि ईरान ने एटम बम बना लिया है, अब उसके पास खुद को बचाने के लिए यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये है इसराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये हमेशा तभी एक्टिव होता है जब इसराइल पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला होता है। एरो सिस्टम ने इसराइल को यमन से फायर की गई बैलिस्टिक मिसाइल से बचाया, लेकिन क्या यह सिस्टम अब ईरान के एटम बम से बचा पाएगा? क्योंकि ईरान को लेकर खबर बहुत खतरनाक है और इसका सबसे बड़ा खतरा इसराइल को सता रहा है। पूरे इसराइल में परमाणु बम का सायरन बजने लगा है, चाहे वो राजधानी तेल अवीव हो या फिर हाइफा या फिर कोई और इजरायली शहर। इस वक्त हमास के रॉकेट से ज्यादा खौफ ईरान की मिसाइल का है। क्योंकि अब उसमें परमाणु बम भी फिट हो सकता है। अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान के पास अब इसराइल तक पहुंचने वाली मिसाइल भी है और उसमें लगाने के लिए एटम बम। ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक बहुत ही सीक्रेट रिपोर्ट ने इसराइल और अमेरिका को बहुत ज्यादा डरा दिया है। IAEA की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ईरान इससे 3 एटम बम बना सकता है। ईरान का यूरेनियम का स्टॉक 6 किलो 700 ग्राम से बढ़कर 128 किलो तक पहुंच गया है। एक परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक संवर्धन करना जरूरी है और दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 60% तक संवर्धन कर लिया है। हालांकि 90% तक संवर्धन करने और बम बनाने में उसे कई महीने लग सकते हैं, यानी ईरान अब परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। ऐसे दावे इसराइल और अमेरिका लगातार करते रहे हैं। इसराइल ने हमेशा कहा है कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। अमेरिका भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इसराइल की हां में हां मिलाता आया है। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया बहुत बड़े युद्ध के बीच सुलग रहा है। ईरान से लेकर इसराइल और तुर्की से लेकर सऊदी अरब, गाजा पट्टी में हो रही बमबारी ने पूरे अरब वर्ल्ड को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। अब परमाणु बम को लेकर ईरान वाले खतरे ने इसराइल और अमेरिका का डर वाला मीटर रेड लेवल पर ले आया है। इस कांटे पर इतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ड वॉर बनकर टूट सकता है, क्योंकि ईरान कह चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होने के 400 सेकंड के अंदर इसराइल पर जाकर तबाही मचा सकती है। ईरान अब हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर चुका है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइल को इसराइल आयरन डोम से नहीं गिरा सकता। और ईरान का दावा है कि इसराइल हो या फिर अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसकी मिसाइल के खिलाफ कोई दीवार काम नहीं करेगी। इस वक्त ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो खबरें हैं, उसे लेकर सबसे सीक्रेट परमाणु अड्डे पर सबकी नजरें हैं। अभी ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हुए हैं, लेकिन इनमें से 2 अहम साइट है। पहली जगह है नतांज और दूसरी जगह है फोर्डो। यहाँ है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट जहाँ ईरान सबसे ज्यादा गुणवत्ता के यूरेनियम संवर्धन करता है। ज्यादा बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के तौर पर सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी हो चुकी हैं।
ये नतांज न्यूक्लियर साइट की 2002 की तस्वीर है। 2002 से 2020 तक इस साइट का ईरान ने बहुत विस्तार किया है। वहीं फोटो वाले न्यूक्लियर साइट की पहली सैटेलाइट तस्वीर 2009 में सामने आई थी। यहाँ भी 2002 से 2020 तक ईरान ने काफी काम आगे बढ़ाया है। दावा किया जाता है कि ईरान सबसे अधिक यहीं यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। ईरान के पास अभी एटम बम नहीं है, ये बात तो पुख्ता तौर पर अमेरिका भी मानता है, लेकिन इजराइल के पास एटम बम है इससे कोई इनकार नहीं करता। दावे के मुताबिक आज की तारीख में इजराइल के शांत रेगिस्तान में नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहां ताकतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास करीब 90 परमाणु बम है, जो पूरे पश्चिम एशिया को पिघले हुए रेत में तब्दील कर सकते हैं। गाजा में बमबारी के दौरान इजराइल के मंत्री ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की भी सलाह दी, जिसे बाद में नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। लेकिन इसी बयान से साफ हो जाता है कि इजराइल जिस बम को छुपाने की कोशिश कर रहा है वो भी दुनिया के लिए बड़ी तबाही की वजह बन सकता है, और अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ये दुश्मनी और खतरनाक हो जाती है। इजराइल, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Ve artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. इजराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों ही एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं। Any threat to use nuclear weapons is inadmissible. This further illustrates the urgency and imperative to achieve the objective of a Middle East zone free of nuclear weapons and other weapons of mass destruction. इजराइल को लेकर ईरान बहुत आक्रामक रहा है और उसे नक्शे से मिटाने की बात भी करता रहा है। यही हाल इजराइल का है, जिसके नेताओं ने भी परमाणु धमकियां देनी शुरू कर दी है। गाजा में युद्ध के बीच अब वर्ल्ड वॉर का खतरा लगातार बना हुआ है, जिसमें इजराइल और ईरान दो बड़े कैंप बनकर उभर सकते हैं। वैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से ईरान की ताकत का डंका पूरी दुनिया में पहले ही बज चुका है। ईरान के ड्रोन पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं, और अब उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी ईरान और इजराइल अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। ईरान अब अपनी इसी ताकत को दिखाकर अमेरिका और इजराइल दोनों को चैलेंज कर रहा है। हालांकि इजराइल से पहले उसने अमेरिका की फौजी अड्डों को अपने टारगेट पर ले लिया है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं, और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं, और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं, और यहाँ उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं, और यहाँ उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश हैं जहाँ से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका को इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका इन्हीं अड्डों से उस पर नजर रखता है, और यहीं से वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं वहां उसके बहुत ही खतरनाक हथियार तैनात रहते हैं। यहाँ अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है, और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहाँ तैनात करता रहता है। इसमें ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल उदैद एयरबेस, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ अमेरिका के अलावा ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स भी तैनात है। दोनों देशों के यहाँ करीब 150 फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखता है। यही वजह है कि ईरान ने अब अमेरिका को वार्निंग देनी शुरू कर दी है, और इस बार अमेरिका ईरान की धमकियों को हल्के में नहीं ले सकता। ईरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जितना भी इलाका है,
यहाँ ईरान का खास दबदबा रहता है। अमेरिका की नौसेना यहाँ तैनात रहती है, लेकिन ईरान पर नजरें रखना और किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना उसके लिए जरूरी हो गया है।